समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी की द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखी गई डोजो यात्रा को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने कहा कि ये गरीबों का मजाक उड़ाने वाली यात्रा है। उन्होंने कहा कि जिनके पेट भरे हुए होते हैं वो इस तरीके के काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर यानी कि दलित, पिछड़े, आदिवासी और गरीब समाज का मजाक उड़ाने की कोशिश की जा रही है। भारत के अंदर एक बहुत बड़ा तबका आज भी गरीबी की जीवन रेखा के नीचे अपना जीवन बसर कर रहा है, उन लोगों का मजाक उड़ाने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और के राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर से एक ट्वीट पोस्ट करते हुए लिखा, पेट भरे लोगों के लिए दोजो व अन्य खेलकूद से महत्व है को किसी को इनकार नहीं, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व पिछड़ेपन आदि के त्रस्त जीवन से जूझ रहे उन करोड़ों परिवारों का क्या जो पेट पालने हैं तो दिन रात कमर तोड़ मेहनत को मजबूर है। भारत दोजो यात्रा क्या उनका उपवास नहीं है? केंद्र व राज्य सरकारें देश के करोड़ों गरीब मेहनतकश वह लोगों को सही व सम्मानजनक रोटी रोजी की व्यवस्था कर पाने में भी अपनी विफलता पर पर्दा डालने के लिए उनसे भूखे पेट भजन कराते रहना चाहती, किंतु विपक्षी कांग्रेस का भी वैसा ही जनविरोधी रवैया जनता को कैसे गवारा संभव है? कांग्रेस और इनके इंडी गठबंधन ने आरक्षण संविधान बचाने के नाम पर एससी एसटी ओबीसी का वोट लेकर अपनी ताकत तो बढ़ा ली, लेकिन अपना वक्त निकले जाने पर उनकी भूख तड़प को भुलाकर उनके प्रति यह कूर रवैया अपनाना क्या उचित है? खेल का राजनीतिकरण हानिकारक जो अब घोर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने कहा कि यहाँ पर किसी खेल कूद से हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन इस देश के अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको आज भी जीवन रेखा से, गरीबी जीवन रेखा से निवन जीने के लिए मजबूर है। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से काफ़ी ज़्यादा त्रस्त है। ऐसे लोगों के लिए इनके पास क्या मजबूत? दलितों, पिछड़ों, आदिवासी लोगों का वोट लेकर कांग्रेस पार्टी मजबूत तो हो गई, उनका गठबंधन मजबूत हो गया, लेकिन इन वर्गों के हितों का इन जातियों, इन पार्टियों के पास किसी भी प्रकार का कोई सम्मानजनक रवैया नहीं।